इन कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको इंडिया में देखने को ही नहीं मिलेंगी, और कैसे इस कंट्री के लोग दीवारों पर खेती करते हैं। और दोस्तों, आपने इन कप पर इन लाइंस को तो देखा होगा, बट क्या आप जानते हो ये किस लिए होती है? और इस देश में जहरीले सांपों से शराब बनाई जाती है और वो लोग इसे पीते भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दी। फैक्ट नंबर 10, इंद्रधनुष आमतौर पर बारिश के बाद ही बनता है। हमें यह एक छोर से दूसरे छोर तक आधा ही दिखाई देता है, बट दोस्तों रियलिटी तो ये है कि इंद्रधनुष पूरा गोल होता है। धरती के गोल आकार की वजह से ही इंद्रधनुष का सिर्फ हमें आधा हिस्सा ही दिखाई देता है और ये हमसे काफी दूर बना होता है। दरअसल पृथ्वी के गोल आकार के कारण ही हमें यह रेनबो कुछ नीचे की तरफ नजर आता है, जिस वजह से इसका केवल ऊपरी भाग ही हम देख पाते हैं। बट दोस्तों, अगर आप फ्लाइट में हो तो उस समय शायद ये इंद्रधनुष आपको पूरा गोल नजर आएगा और ये हमेशा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। वहीं सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो यह सांप डिफरेंट डिफरेंट कलर में बढ़ जाता है, जिस कारण आसमान में सांप डिफरेंट कलर दिखाई देते है। नंबर 9, मध्य प्रदेश को भारत के दिल के रूप में भी जाना जाता है। यह भौगोलिक रूप से देश में एक केंद्रीय स्थान रखता है। वहीं क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यह इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और तो और दोस्तों, मध्य प्रदेश को अपने ऐतिहासिक इमारतों और प्रसिद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है और यहाँ कई खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस भी जिसको देखने के लिए टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं। नंबर 8, राजस्थान के बूंदी जिले के भूतपुरा गांव को विधवाओं का गांव कहा जाता है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, खानपान, लोक संगीत को संजो कर रखते हैं, लेकिन इस गांव में पुरुषों की किसी भी टाइम मौत होने के कारण इसे विधवाओं का गाँव भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ की विधवा महिलाएं अपने परिवार की पालन पोषण करती है और इस गाँव के पुरुष और महिलाएं खदानों में काम करती है और ये लोग दिन में 10-10 घंटे पत्थर तोड़ने और तराशने का काम करते हैं। इस काम में निकलने वाले सिलिका डस्ट से उनके फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलने से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसे में उन्हें जानलेवा बीमारियां हो जाती है और इसी से उनकी मौत भी हो जाती है। नंबर 7, दोस्तों क्या जानते हो, इस देश ने दीवारों पर खेती शुरू की है। दरअसल दोस्तों, इजराइल देश ने दीवारों पर खेती शुरू की है। इजराइल तकनीक के मामले में सबसे आगे है। वहाँ इस तरह से चीजों को इजाद किया जाता है जो कि 100 साल बाद भी इंसानों की जरूरत बन जाती है। दरअसल उन्होंने दीवारों पर खेती जमीन की कमी की वजह से शुरू की है। दुनिया में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में यह लग रहा है कि आने वाले समय में खेती दीवारों पर करनी होगी और विज्ञान की भाषा में इस तरह की खेती को वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है। इजराइल देश में इसे बड़े पैमाने पर ग्रीनवॉल नाम की एक कंपनी करती है। नंबर 6, कुछ बर्फ सफेद कलर की होती है तो कुछ बर्फ पारदर्शी होती है। बट दोस्तों, क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? दरअसल कई बर्फ के बीच में सफेद इसलिए होती है क्योंकि जब पानी ट्रे में जमने के लिए रखा जाता है तो वह अंदर तक जम जाता है और पानी में सबसे पहले बर्फ शुद्ध पानी जमा होता है और उसके बाद ही अन्य चीजें जमती है। और ऐसे में दोस्तों, हवा के बुलबुले और मिनरल्स बर्फ के बीच में जाकर जमा हो जाते हैं और दोस्तों हमें वही हिस्सा सफेद कलर का दिखाई देता है और इसके अपोजिट जो पारदर्शी हिस्सा होता है वो एकदम शुद्ध पानी होता है। वही आसमान से गिरने वाली बर्फ भी रंगीन होती है, लेकिन जब इस पर सूर्य की रिफ्लेक्शन पड़ती है तो हमें सफेद रंग की दिखाई पड़ती है। नंबर 5, दोस्तों आप सभी मछली के बारे में जानते हैं। इसकी कई सारी प्रजातियां होती है, इन्हें आपने पानी में तैरते हुए भी देखा होगा, बट एक ऐसी भी मछली है जो हवा में भी उड़ सकती है और इसके अलावा वो मछली जमीन पर भी चलती है। दरअसल इस मछली का नाम गरनाई मछली है और इसे फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है और ये मछलियां 200 मीटर तक उड़ सकती है और इन मछलियों के पंख जैसे उनका शरीर होता है। नंबर 4, दोस्तों आपने इन कप पे इन लाइंस को तो देखा होगा, बट क्या आप जानते हो ये किस लिए होती है? अगर दोस्तों आपको पता हो तो हमें कमेंट करके बताइए। दरअसल प्लास्टिक के कप काफी उपयोगी होते हैं और इनका इस्तेमाल कई स्थानों पर किया जा सकता है। ये कप्स यूज एंड थ्रो होते हैं, यानी कि एक बार यूज करने पर उसे फेंक दिया जाता है। इसीलिए ये आमतौर पर पार्टियों में देखे जाते हैं और पार्टियों में आपने लाल रंग के ये कप सोलो कप देखे होंगे। बट क्या आपने इन कप पर बने इन रेखाओं पर गौर किया है? ये केवल डिजाइन के लिए नहीं होती है, दरअसल ये लाइनें कार्यात्मक प्रदर्शन को बढ़ाती है और ये उंगलियों से कप को फिसलने से भी बचाती है और आपके फिंगर्स को अच्छी ग्रिप
प्रोवाइड करती है, वही कुछ लोग इसका यूज पदार्थों को मापने के लिए भी करते है। नंबर 3, दोस्तों दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ जहरीले सांपों से शराब बनाई जाती है और यह सांप बहुत जहरीले होते हैं। यह एक बार किसी को काट ले तो इंसान कुछ ही मिनटों में मर जाएगा, लेकिन कुछ लोग इन्हीं सांपों को शराब में डालकर पीते हैं। दरअसल दोस्तों इस शराब की शुरुआत चीन में हुई थी, लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा इसे साउथ ईस्ट एशिया के देश वियतनाम में बनाया जाता है। वहाँ के लोकल लोग इस शराब को बहुत ही चाव से पीते हैं और कहते हैं कि इसको पीने से इंसान के शरीर पर कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल में काफी समय तक पड़े रहने पर सांप के जहर का असर खत्म हो जाता है। और इस शराब को बनाने के लिए ज्यादातर राइस वाइन का यूज किया जाता है। नंबर 2, वैसे तो आजकल वायरलेस ईयरफोन आने लगे, मगर आज भी कई लोग वायर वाले ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं, बट अक्सर लोग इनके तारों के उलझन से परेशान रहते हैं। ध्यान से रखने के बाद भी तार आपस में उलझ जाते हैं, और दोस्तों यह आपके साथ भी हुआ होगा। बट क्या आप जानते हो आखिर ईयरफोन आपस में उलझ कैसे जाते हैं? दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की थी, और उन्होंने अलग अलग लंबाई के तारों को प्लास्टिक के एक बॉक्स में रखकर समय समय पर उसे घुमाया, और इस शोध में पाया गया कि बॉक्स के सभी तार आपस में उलझ चुके थे और 5 से 10 बार घुमाने के दौरान ही तारों में गांठें पड़ गई थी। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, ईयरफोन के वायर्स लंबी और मुलायम होती है, और लंबे और मुलायम तारों में जल्दी गांठें पड़ती है और इसी वजह से वो आपस में उलझ जाते हैं। नंबर 1, कंपनीज के कई ऐसे प्रोडक्ट है जो हमें इंडिया में देखने को मिलते ही नहीं, जैसे कि किटकैट, जो कि ज्यादातर इंडिया में एक ही तरह के फ्लेवर में पाया जाता है, और वहीं दूसरी कंट्रीज में किटकैट के 300 से भी ज्यादा फ्लेवर मिलते हैं। इंडिया में केवल किटकैट के चॉकलेट फ्लेवर ही ज्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन जापान में किटकैट के करीबन 300 से भी ज्यादा फ्लेवर पाए जाते हैं। यानी कि आप डेली एक एक चॉकलेट भी टेस्ट करोगे तो आपको 10 महीने तो लग ही जाएंगे केवल एक एक फ्लेवर टेस्ट करने में। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।